करते हैं और अब बात करते हैं बिलासपुर से बड़ी खबर की। रतनपुर पीड़िता के मां पर एफआईआर का ये पूरा मामला है। बता दें आपको कि जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, मामले की जांच पूरी हो चुकी है। एसपी के नेतृत्व में जांच हुई है, टीम ने जांच की है, जांच रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। 19 मई को पीड़िता की मां पर एफआईआर दर्ज हुई थी, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या ज्यादा जानकारी है इस मामले में? तो देखिए, 19 तारीख की घटना है, पीड़िता की मां पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद बवाल हुआ, अन्य संगठन के अलावा कई संगठनों ने इसका जो विरोध किया और इस जो एफआईआर है उसे फर्जी एफआईआर करार दिया और जांच की मांग की थी। रायपुर बिलासपुर एसपी ने इस मामले की पूरे जांच के आदेश दिए थे और एक सप्ताह के भीतर समय सीमा निर्धारित किया था और तय सीमा के भीतर पुलिस ने जांच है वो कंप्लीट कर ली है, पूरी कर ली है और उसके बाद जांच रिपोर्ट है उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय में ही इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिर किस तरह का ये पूरा मामला है। कहीं जो पीड़िता है, जो आरोपी है और पीड़िता की माँ को फंसाने के लिए इस तरह से कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया था। फिलहाल जो जांच रिपोर्ट है उसे आज बिलासपुर एसपी को सौंप दिया गया है और न्यायालय में पेश होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह का पुलिस की जांच में ये मामले का खुलासा हुआ। लेकिन इस मामले को लेकर के रतनपुर में अभी भी धरना प्रदर्शन का दौर है, वो लगातार चल रहा है। अलग अलग संगठन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ तक के जो पीड़िता की माँ है वो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है तो आंगनबाड़ी संघ भी उनके साथ हो चुका है। कल ही यादव समाज के जो लोग थे उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और जो है उसे न्याय की मांग की है। ठीक है युगल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और सीहोर से बड़ी खबर की बात करते हैं। नर्मदा नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत हुई है। नर्मदा में नहाने आए थे तीनों युवक, रायसेन जिले के बताए जा रहे हैं। तीनों मृतक युवक एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर इनको बाहर निकाला है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।